जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मराठवाड़ा में 1 जुलाई से शुरू हुई भारी बारिश पिछले 3 दिनों से थमी हुई है। बारिश का असर कम हुआ है, लेकिन लगातार ज़्यादा पानी बरसने के कारण फसलों को भारी क्षति पहुंची है। नादेड़, हिंगोली और परनभणी आदि में न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि कृषि भूमि का कटाव भी हुआ है। कृषि भूमि का कटाव फसलों के नुकसान के मुकाबले ज़्यादा बड़ा है। किसानों का कहना है कि गन्ना, मक्का, सोयाबीन, कपास, हल्दी और सब्जियों की खेती को ज़्यादा पानी से भारी नुकसान हुआ है। खेती तालाब बन जाने से फसलें सड़ रही हैं। किसानों का कहना है कि 2 बार बुआई करने के बाद भारी बारिश ने ये कहर बरपाया है, इसलिए अब हम 3री बार बुआई करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए किसान अब सरकार से आर्थिक सहायता की मांग कर रही है। वहीं पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश खरीफ में न केवल अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन और कपास को नुकसान पहुँचा रही है, बल्कि नादेड़ और हिंगोली जिले में हल्दी की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। खेतों में पानी जमा होने से हल्दी की फसल बोते ही सड़ चुकी है। यही हाल गन्ने के फसल के साथ भी हुआ है, इसलिए फसलों का उत्पादन कम होगा। भारी बारिश के बाद मिट्टी में नमी की मात्रा अधिक रहती है, इसलिए दोहरी बुआई भी संभव नहीं है। नादेड़ जिले में लगातार 4 दिनों से हो रही भारी बारिश से अर्धपुरी प्रसिद्ध केला के बागों को भारी नुकसान हो रहा है। आंधी और बारिश में केले के बाग में पानी जमा होने से फफूंद रोग का प्रकोप बढ़ गया है। केले के काफ़ी पेड़ नीचे गिर गए हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते केले की खेती में उचित जल प्रबंध नहीं किया गया तो बागों में ये बीमारी बता दे फिर से फैल सकती है। इसलिए केले के बगीचों को बचाए रखने के लिए जल्द से जल्द जल प्रबंध करना होगा। वहीं सब्जियों और फलों की खेती पानी को लेकर काफ़ी संवेदनशील होती है। कम पानी मिला तो सूखने लगती है, जबकि अधिक पानी होते ही पौधे सड़ने लग जाते हैं। इसलिए टमाटर व लता वाली दूसरी फसलों को नुकसान पहुँचा है। इससे सब्जियों की कीमतों में उछाल आया है। उत्पादन में कमी और परिवहन में व्यवधान के कारण सब्जियों की कीमत बढ़ रही है। हर साल बारिश के मौसम में ऐसी ही स्थिति होती है, लेकिन इस साल रेट पर ज्यादा असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।